नमस्कार दोस्तों, मैं आज की वीडियो कोरोना के ऊपर लेके आया हूँ। कम मेरे दोस्तों ने काफ़ी ने लोगों ने कहा था कि कोरोना के ऊपर वीडियो बनाओ। वैसे मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये जो इमेजेस होती है उनकी लेंथ और वो सब पता कैसे करते हैं उसके ऊपर भी लेके आने वाला था। वो पाइपलाइन में है, जल्दी आपके पास लेके आऊँगा मैं उसकी वीडियो। पर कोरोना एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जनरल हम जानते हैं कि कैसे ये फैला, और कोरोना से पहले और कौन कौन से पेंडेमिक और एपिडेमिक हुए, थोड़ा सी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कितने टाइप्स के कोरोना होते हैं इस वीडियो के अंदर। दूसरा, आरटीपीसीआर टेस्ट में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, और आरटीपीसीआर टेस्ट में क्या किसके बेसिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा, और थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में। तो ये एक जनरल है कोरोना के बारे में, जो हर मतलब मेरे हिसाब से हर इंसान को थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना चाहिए। तो वही मैं एक जनरल वीडियो ही लेके आया हूँ। बाकी जब थोड़ा सा बायोलॉजिकल वीडियो बनाऊँगा तब मैं बायोलॉजिकल वीडियो लेके आऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना की, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या था, कैसे था, कितने पेंडेमिक डिजीज आई जिसकी वजह से विश्व भर में डेथ कॉज हुई। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री की स्लाइड है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एपिडेमिक और पेंडेमिक। ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। और डब्ल्यू एच ओ ने कोरोना को पेंडेमिक घोषित किया। तो पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, और एक एक और शब्द होता है एंडेमिक, जो इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। तो हम थोड़ा सा जानते हैं कि क्या ये तीनों वर्ड डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एपिडेमिक के बारे में। तो जो एपिडेमिक है, एपिडेमिक का जो डिजीज होती है वो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है, विद कम्युनिटी। और मान के चलिए, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ आपको। मान के चलिए कोई डिजीज़ है, वो बस खाली इंडिया तक है, इंडिया भी नहीं छोड़िए, तो समझिए कि साउथ में ही है बस, उसका साउथ में ही ज़्यादातर फैली हुई है। तो ऐसी डिजीज़ जो एक रीजन या एक ही पॉपुलेशन या एक कम्युनिटी को इफेक्ट करती है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसको तो उसको हम एपिडेमिक कह देते हैं। दूसरा है पेंडेमिक। पेंडेमिक एक रीजन तक ही सीमित ना रह के, एक कंट्री तक ही सीमित ना रह के, इवन एक कॉन्टिनेंट तक सीमित ना रह के लार्ज स्केल पर पहुंच फैलती है। तो कोरोना को जैसे पेंडेमिक घोषित किया गया है, तो कम से कम ये 204 कंट्रियों में फैला हुआ है एज माई नॉलेज। और तो इसलिए इसको पेंडेमिक घोषित किया गया है। लास्ट नॉट लीस्ट इज अ एंडेमिक। एंडेमिक जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करता ही है, पर बहुत छोटे स्केल पे एज कम्पेयर टू द एपिडेमिक। मान के चलिए कि हम मान के चलिए कि स्टेट महाराष्ट्र ही महाराष्ट्र में कोई फैली हुई है, या उत्तर प्रदेश में कोई डिजीज फैली हुई है, या कर्नाटक में एक डिजीज फैली हुई है, बाकी जगह ये नहीं जा रही है, और किसी नंबर ऑफ क्या कहते हैं रीजन को ही ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो उसे हम एंडेमिक कह देते हैं। चलिए, ये तो था इन तीन वर्डों के बारे में। थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे जाते हैं। तो हम बात करते हैं 6th सेंचुरी में सबसे पहले प्लेग आया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। अबाउट 100 मिलियन डेथ हुई थी, और इसको प्लेग ऑफ जस्टिस के नाम से। उस समय इतना साइंस प्रोग्रेस नहीं करती थी, तो काफ़ी लोगों की डेथ हुई। प्लेग ने फिर दोबारा से दस्तक दी 1400 सेंचुरी में, और जब इसने दी तो उसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाने लगा, और इसमें 50 से लेके 200 मिलियन डेथ हुई। हाँ, मिलियन के बारे में बता दूँ, मिलियन इज 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, जिनको नहीं पता है, बाकी सारे लोग होशियार हैं, पता है सभी लोगों को। हाँ, फिर उसके बाद 16th सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स आई। उस समय इवन इतना वैक्सीन वगैरह का था ही नहीं, क्योंकि वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के बाद ही डेवलप हुई थी एडवर्ड जेनर जीने के द्वारा। तो फिर इसके अंदर जो था 5 से लेके 8 मिलियन तक डेथ हुई थी, और 1520 में ये इसको एपिडेमिक घोषित किया गया था। फिर अगर हम बात करें 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में क्या था कि सबसे पहले स्पेनिश फ्लू के नाम से आया 1918 में, जिसे फ्लू के नाम से भी जाना जाता था, H1N1, और इसके अंदर 50 से लेकर 100 मिलियन डेथ कॉज हुई थी।
यही इन्फ्लुएंजा फिर से वापस आया 1968 में, 20th सेंचुरी में, और इसने अपना स्ट्रेन चेंज किया, H3N12 हुआ, और इसने 1 मिलियन डेथ कॉज की, मतलब 10 लाख लोग इसमें खत्म हो गए, और ये 1968 में आया था। फिर 21st सेंचुरी की बात करें तो कोरोना, मैंने जैसे बताया कि कोरोना काफ़ी मतलब पुराना वायरस है, बस उसके स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं, और शायद मेरे ख्याल से 1937 में इसको सबसे पहले चिकन एम्ब्रियो में देखा गया था। पर यहाँ बात करते हैं जिसने सीवियरली इफेक्ट किया, तो कोरोना वायरस का जो सीवियरली इफेक्टेड था मैमल्स के, जो ह्यूमंस के केस में, वो 2002 में सबसे पहला आया सार्स के तौर पे। सार्स इज अ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये रेस्पिरेटरी मतलब लंग से ही जुड़ी बीमारी होती थी, और इसको एपिडेमिक घोषित किया था। सबसे पहले ये गुंडांग जो चाइना का शहर है, वहाँ प्रोविनेंस है, वहाँ ज़्यादातर देखने को मिला, और इसके द्वारा 8,422 केसेस दर्ज किए गए, और अगर डेथ की बात करें तो 916 लोग इसमें खत्म हो गए। अगर फेटलिटी रेट की बात करें तो 10 to 11 है, जो कंपेयर करें हम आज के कोरोना वायरस से तो काफ़ी ज़्यादा है। पर ये था कि ये ज़्यादा फैला नहीं था, ज़्यादा कम्युनिकेबल नहीं था एज़ कम्पेयर टू द कोरोना वायरस जो अब इस समय फैला हुआ है, SARS-CoV-2, वो बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेबल है। बात करें इसकी पीक वैल्यू जो थी वो मई 2003 में देखने को मिली, और WHO ने इसको थ्रेट डिक्लेयर किया जुलाई 2003 में। फिर से इन्फ्लुएंजा का एक और अटैक आया H1N1 का, और उसको स्वाइन फ्लू नाम दिया गया, पहले वर्ड्स में फैला, वर्ड्स से फिर इंसानों में फैला, तो इसके अंदर भी 150 केस से लेके, मतलब के इज इक्वल टू 4,000, 150,000 से लेके 500,000 तक डेथ इसके अंदर देखने को मिली। और फिर से कोरोना वायरस ने फिर से दस्तक दी और नए स्ट्रेन के साथ आया, जैसे हमने मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स के नाम से जाना गया, और क्या कहते हैं, दो इसके द्वारा 2,494 केसेस देखने को मिले, और 862 इसी के केस पे अगर हम फर्टिलिटी रेट देखें तो वो 34.5% था, जो कि एज कम्पेयर टू द सार्स बहुत ही ज़्यादा था, काफ़ी लोगों की मौत हुई। पर ये इसका भी यही गनीमत रही कि ये ज़्यादा कम्युनिकेबल नहीं था और इसको ज़्यादा फैलने नहीं दिया। अगर इसकी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में देखने को मिला, और अरेबियन पेनिनसुला में इसका इफेक्ट ज़्यादा था, तो इसके ज़्यादा केसेस थे। और अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो जो SARS-CoV-2 है, जिसे COVID-19 के नाम से भी जाना जाता है, उसमें ढाई, ये तो पुराना डाटा है, 2 मिलियन दे रखा है, पर 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, और अभी भी प्लस में है, कंटिन्यूटी में बढ़ते जा रहे हैं केसेस। और कंपेयर करें इसकी फर्टिलिटी रेट को, वो 3% के है करीब है वर्ल्ड वाइड, कुछ कंट्रियों में ज़्यादा है पर कुछ में कम है। तो जो SARS-CoV के बारे में ये थोड़ा हिस्ट्री थी, अब हम जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो मैंने बताया कोरोना वायरस पुराना नहीं, बहुत सारे कोरोना वायरस, देर आर हंड्रेड ऑफ कोरोना वायरस, और ज़्यादातर जो है वो एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पिग्स में, कैमल्स, बैट बैट चमगादड़ एंड बिल्लियों में, इनमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। मैमल्स में इनका इतना ज़्यादा इफेक्ट, वो सॉरी मैमल्स तो ये ही है, पर उनमें ज़्यादा इनका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता ह्यूमंस के अंदर। द फर्स्ट कोरोना वायरस वाज आइसोलेटेड, मैंने बताया, जैसे 1937 में चिकन एम्ब्रियो में देखा गया था, और इसकी वजह से ब्रोंकाइटिस इन बर्ड, बर्ड के अंदर जो था ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस जो होती है एक तरीके से कीजिए श्वसन नली है हमारी, श्वसन नली जब दो दो भागों में डिवाइड होती है, जो दो लंग्स के लिए जाती है, तब हम उसको ब्रोंकियल्स कहते हैं, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकियल्स में डिवाइड होती है, तो ये जो है बर्ड्स में ये उनको इफेक्ट करती थी, और इससे पोल्ट्री स्टॉक ही अफेक्टेड होता था। इसके चार जेनरा थे, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो जो अल्फा, जो चार जेनरा है, चार जेनरा के अंदर ये 100 ऑफ कोरोना वायरस होते हैं, तो ये चार जेनरा के अंदर आते हैं, तो जिनमें से जो दो जेनरा है अल्फा और बीटा, वही मैमल्स को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, बाकी डेल्टा और जो आपका गामा है वो बस खाली एवियन स्पीसी यानी कि पशु पक्षियों तक ही सीमित रहते हैं। तो जो जो अल्फा और बीटा है जेनरा के कोरोना वायरस हैं, उनमें ज़्यादातर सात ही ऐसे हैं जो ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता।
तो पहला जो है ह्यूमन को इफेक्ट करने वाला कोरोना वायरस था वो 1966 में आया, तो उसको 229E दिया, और जो अल्फा जनरा से बिलोंग करते था और जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन था। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में जान लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड किसी भी डिजीज का वो पीरियड होता है कि जब आपको इन्फेक्शन हुआ और उसका फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम आपके अंदर दिखाई देने लगा, तो जो पीरियड होता है उस बीच में इन्फेक्शन और फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम के बीच में, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो वो 2 से 5 दिन का होता है। अगर इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें, यानी कि क्या क्या लक्षण आपके अंदर दिखाई देते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले कॉमन कोल्ड, मतलब सर्दी खींच जुकाम वाला, हेड एंड सिर में दर्द रहता है, स्नीजिंग, छींक वगैरह आने लगता है, और ड्रॉसीनेस सी होती है, थोड़ा सा जो गला होता है थोड़ा सा आपका खराब भी रहता है। और ये 1966 में आया था। और इसका जो नेचुरल होस्ट मतलब ज़्यादातर जिसके अंदर ये वायरस सर्वाइव करता है, रिजर्वायर के तौर पर रहता है, उसे हम नेचुरल होस्ट कहते हैं। तो जो है उसका बैट है, तो बैट इसका नेचुरल होस्ट है, और जो क्या कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट है वो कैमलिड्स है। अगला जो है स्ट्रेन है वो OC43 था, और जो बीटा जनरा से बिलोंग करता था, इसका भी जो इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन था, ये जनरली कॉमन कोल्ड कोर्स करता था, यानी कि सर्दी जुकाम ये आपको होता है। और इसको जो था वो 1967 में आया, और इसके नेचुरल होस्ट जो था वो रोडेंट था, और इंटरमीडिएट होस्ट बोवाइन था, और सेकेंडरी होस्ट हम थे। तो इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है जो नेचुरल होस्ट से सेकेंडरी होस्ट में ट्रांसफर करता है। होस्ट वो होता है जिसके अंदर ये वायरस सर्वाइव करते हैं। होस्ट वो होता है जिसके अंदर पैरासाइट रहता है, जो जिसके अंदर कोई पराजीवी रहता है, उसे खाना लेता है, उसका उसकी मशीनरी को इस्तेमाल करता है, तो उसे हम होस्ट कह देते हैं। ये आगे जाके कितने में डिवाइड होते हैं, ये अलग अलग बायोलॉजिकल टॉपिक है। फिर बात करते हैं, अगला जो स्ट्रेन आया वो NL63 था, अल्फा फैमिली से बिलोंग था, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 4 दिन था। इसमें देखा जाए तो आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो मॉडरेट इन्फेक्शन में, बस खाली वो कम इफेक्ट होता था, और जो सीवियरली इफेक्ट करता था जो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो लंग्स के अंदर जो आपके एल्वोलाई वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा इसके अफेक्ट होते थे। ब्रोंकियोज जो थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते थे, और ब्रोंकियोलिटिस होता था इसकी वजह से। और ये 2004 के अंदर आया, और इसके क्या कहते हैं बैट ही नेचुरल होस्ट था, और इंटरमीडिएट होस्ट जो था उसको अनआइडेंटिफाइड था, मतलब पता ही नहीं था इंटरमीडिएट होस्ट किससे था, या तो बैट से हुआ होगा या फिर कोई इंटरमीडिएट होस्ट होगा। दूसरा अगर हम बात करें, जो चौथा है वो HKU1 था, वो बीटा फैमिली से बिलोंग करता था। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 4 दिन था। इसमें ज़्यादातर कॉमन कोल्ड और निमोनिया के सिम्टम्स होते थे, सर्दी जुकाम और निमोनिया के कॉमन सिम्टम्स, और जो ब्रोंकियोलाइटिस जो ऊपर बताया वो ही इसके अंदर देखने को मिलता था। ये 2005 में आया, और इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट था वो रोडेंट्स थे। रोडेंट्स जो जैसे चूहे वगैरह, इसमें रोडेंट्स वगैरह में आते हैं, तो ये मेनली इसके इंटरमीडिएट होस्ट हुआ करते वो सॉरी नेचुरल होस्ट हुआ करते थे। फिर जो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस ने अपना ध्यान खींचा कि ह्यूमंस को ज़्यादा वरी होना पड़ा, क्योंकि डेथ कॉज होना स्टार्ट हुई, तो वो थी सार्स के द्वारा। सार्स जो 2002 में आया था, 2003 है में आया था, ये बीटा फैमिली से बिलोंग करता था। 2 से लेके 11 दिन का इसका इंक्यूबेशन टाइम होता था। इसमें जो था फीवर होता था, आपको बुखार होता था, माइलेगिया। माइलेगिया के बारे में बता दूं, माया माय इज रिलेटेड टू मसल्स, तो माइलेगिया इज अ पेन इन मसल्स। तो इनमें जो मसल्स हैं आपकी, जो मांसपेशियां हैं, उनमें दर्द हुआ करता था। हेड एंड सिर में दर्द होता है, ड्राई कफ, सूखी खांसी होती है आपको, डिस्पोनिया। तो इसमें डिस्पोनिया एक तरीके से ये होता है कि आपको ब्रीथिंग लेने में बहुत डिफिकल्टी होती है, आपको फोर्सफुली ब्रीथिंग लेनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा का मशक्कत करनी पड़ती है, यानी कि आपको ढंग से सांस नहीं आती। तो दूसरा डायरिया, दस्त होते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि आपका जो रेस्पिरेशन वो है वो पूरा सा डिस्ट्रेस में, मतलब आपको कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता, सांस लेने में उखड़ी उखड़ी सी लगती है। तो ये इसके अंदर ज़्यादातर देखने को सिम्टम मिलते थे। 2003 में आया, बैट ही इसके नेचुरल होस्ट थे, और जो इसका इंटरमीडिएट होता वो पाम सिविट था। मैं दिखाऊंगा सिविट कैसे होते हैं, छोटा सा जानवर होता है, नॉक्टर्नल होता है ज़्यादातर, पर नॉक्टर्नल मीन्स अंधेरे में ज़्यादातर दिखाई देता है। फिर मर्स की बात करते हैं। मर्स मिडिल ईस्ट
इस रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, फुल फॉर्म थी इसकी मिडिल ईस्ट, इसलिए नाम दिया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट में देखने को मिला, सऊदी अरेबिया और अरेबियन पेनिनसुला जैसे मैंने बता चुका है। और ये बीटा फैमिली से बिलोंग करता था। 2 से लेकर 13 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसमें फीवर, आपको बुखार हो सकता है, कफ हो सकती है, खांसी, शोर थ्रोट, शोर थ्रोट मतलब जो मतलब आपको जो खरास टाइप से माइलेगिया, मैं बता चुका हूँ कि आपकी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। अर्थलेगिया मतलब अर्थ माने आपका हड्डियों से रिलेटेड है, तो आपकी हड्डियों में भी दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। डिस्पोनिया मैं पहले ही बता सकूँ, सांस लेने में तकलीफ, निमोनिया, जानते ही हैं ज़्यादातर लोग, डायरिया मतलब दस्त, और वॉमिटिंग माने उल्टी, और आपकी थोड़ा किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती थी, एक्यूट रीनल इम्पेयरमेंट हो सकता है। 2012 में आया, बैट्स के द्वारा ये इसका नेचुरल होस्ट था, और ये फिर बैट से डोमेडरी कैमल्स में गया और कैमल्स से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर हुआ। जो अब इस समय सबसे ज़्यादा कंसर्न का विषय है वो SARS-CoV-2 है, कोरोना वायरस, जिसे COVID-19 के नाम से जाना जाता है, बीटा फैमिली से बिलोंग करता है। 3 से 6 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, और सिम्टम्स तो आप सबको बता ही जाते हैं और आप ज़्यादातर आप सुन ही रहे हैं, तो फीवर, ड्राई कफ, डिस्नोसिया, माइलेगिया, हेडेक, लॉस ऑफ स्मेल, स्मेल और मतलब सूंघने और चाखने की शक्ति चली जाती है, और डायरिया मतलब दस्त होता है। 2019 में ये आया, और इसका नेचुरल जो होस्ट था वो बैट्स, यानी कि चमगादड़ थी, और इंटरमीडिएट होस्ट में थोड़ा सा संशय है, तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो पेंगलियंस माना जाते हैं। और ये चलिए थोड़ा तस्वीर में देख लेते हैं ये कैसे होते हैं। तो 2002 में SARS-CoV-2 आया, और ये बैट के द्वारा युहान प्रोविनेंस से गुंडांग के सिवेट्स में फैला। सिवेट्स को ज़्यादातर चाइना में खाने में इस्तेमाल किया जाता है, मीट के तौर पे ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये फिर ह्यूमंस में फैला, और ह्यूमन से फिर ये चाइना में बहुत ज़्यादा फैल गया। 2012 में मर्स, ये बैट्स बैट्स के द्वारा कैमल्स तक आया, और कैमल्स से ह्यूमन में, मैंने बताया अरेबियन कंट्रीज में ये ज़्यादा फैला था मर्स, इसीलिए इसको मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम दिया गया था। फिर बात करते हैं 2019 में कोरोना वायरस, जो कि SARS-CoV-2 के नाम से आया, और ये माना जाता है, ये सब सुन चुके हैं, वुहान शहर जो चाइना का था उससे फैला था, तो उससे बैट से हो सकता है कि ये अभी कंफ्यूजन है, बट सही से है पेंगलियंस में आया, और पेंगलियंस से ये ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ। ये एक जनरल पिक्चर है कोरोना वायरस की, जो मतलब सिस्टमेटिक डायग्राम है, मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से, कि इस तरीके का कोरोना वायरस होता है। इसमें ये जो दिखाई गई है ये इसकी स्पाइक प्रोटीन है, और यही जो होती हैं आपको कोरोना वायरस को बाइंड करती हैं हमारे सेल्स के साथ, सेल्स के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं वो इससे बाइंड होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जनरली जान लेते हैं कि क्या होता है। ये जो अपीयरेंस है ये कुछ ऐसा लगता है कि ताज जैसी अपीयरेंस है, क्राउन जैसी अपीयरेंस है, इंग्लिश में ताज को क्राउन कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम कोरोना पड़ा, इसीलिए इसको कोरोना वायरस नाम दिया जाता है। फिर बात करते हैं जो इसके ये छोटे छोटे स्पाइक्स के बगल में छोटे छोटे से हैं, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसकी, ये जो एनवेलप का साइज है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और पूरी जो वायरस की असेंबली, असेंबली मतलब किस तरीके से बनावट है उसकी, उसके लिए सारा ये मेम्ब्रेन प्रोटीन ही जिम्मेदार होती हैं। ये जो इसके अंदर एक छोटा सा दिया गया है, ये गोल गोल सा, ये चारों तरफ जो फैला हुआ है, ये इसका आरएनए है। आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक तरीके से जैसे हमारे अंदर डीएनए होता है, इस वायरस के अंदर आरएनए है, जो कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, हम लोगों के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसके अंदर आरएनए होता है। डीएनए आरएनए का डिफरेंस होता है, बायोलॉजी के बच्चों को थोड़ा पता है, और जिनको नहीं पता है वो बस खाली ये समझ ले हमारे अंदर डीएनए होता है और वायरस के अंदर आरएनए होता है, आरएनए फिर डीएनए को वो कन्वर्जन होता है, वो अलग चीज़ है, पूरी बायोलॉजी है उसके बारे में, चलो हम बात नहीं करते, हम थोड़ा सा इसी के बारे में समझते हैं। फिर जो इसके अंदर जो जहाँ ये आरएनए है, ये जैसे बाइंड है, ये न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन कहते हैं, कैप्सिड प्रोटीन, कैप्सिड एक तरीके से एनवलप का ही कार्य करती है, कैप्सिड जो होता है। तो इसके साथ क्या होता है कि आपका जो आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है, वो बाइंड होता है कैप्सिड के अंदर, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन के अंदर, जिसे एन से डोनेट करते हैं।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है एंट्री के लिए वो ये है स्पाइक प्रोटीन। ये जो स्पाइक्स हैं ये प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन के द्वारा जनरेट होती हैं और यही बाइंड करती हैं ACE2 रिसेप्टर। ACE2 क्या है? ACE2 जो है उसका फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। तो ये जो एंजाइम्स होता है ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने का काम करता है। और एंजियोटेंसिन जो एंजाइम्स होता है हमारी फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 10th 12th में अगर पढ़ा हो तो आप देख सकते हैं कि एंजियोटेंसिन का क्या काम होता है। आपको हमारी फिजियोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये। तो ये जो होता है स्पाइक प्रोटीन ये ACE2 एज अ रिसेप्टर काम करती है और इसके साथ एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो कि पाई जाती है TM ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है उसके साथ भी ये कंबाइन करके और इसी तरह हो उसकी बॉडी में। ये थोड़ा सा हम आगे का अगर मैं वीडियो लेके आऊँगा उसके अंदर डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से ये वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसता है। तो ये दो प्रोटीन हैं बस याद रखिएगा, इनके जरिए ट्रांस मेम्ब्रेन सीलिंग प्रोटीन होती है उसके साथ भी ये कंबाइन करता है जो यहाँ मैंने नहीं दिखाया। जब दिखाएंगे किस तरीके से ये एंट्री लेता है वो तब हम देखेंगे। अगली जो है जो ये कोर सा बना हुआ है ये जो है इसके लिए इसे एनवलप प्रोटीन कहते हैं जो ऊपर से एनवलप बनाने का काम करती है। इसे ई से डिनोट करते हैं और RT-PCR टेक्निक के अंदर इसी ई प्रोटीन की जीन को टारगेट किया जाता है। और दूसरी RDR की जीन होती है, दो जीन को कम से कम टारगेट किया जाता है। तो ये है, ये जो मैंने एक लाइन सी बनाई है तो ये मैंने दिखाने का कोशिश की है कि जो RNA सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम है इसका, तो इसमें क्या कौन कौन से डिफरेंट रीजन होते हैं और कौन कौन से डिफरेंट रीजन किस किस चीज़ को बिलोंग करते हैं। ये अराउंड 30 KB, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया, 30 KB के अराउंड इसकी लेंथ होती है। और ये आप यहाँ देख रहे हैं 5-2-3 है, 266 से स्टार्ट होके 229। तो मैंने जैसे बताया 30 KB के इज फॉर 1000, तो 30,000 KB तक मान के चलिए 30,000 जो बेस पेयर होते हैं इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और ये अलग अलग थोड़ा मैंने एक और टेक्निकल नाम दे दिया बेस पेयर, तो ये इसको छोड़ते हैं। तो ये मैंने दिखाया कि कौन कौन से रीजन किस किस चीज़ को डिनोट करते हैं। तो ये एक्चुअली पिक्चर थी तो मैंने पूरी ही उठा ली, इसको कट नहीं किया। तो जहाँ से ली थी एक ICMR की, सॉरी इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के उससे ली थी, तो ये मैंने उठा लिया, मैंने कहा थोड़ा सा समझा देंगे। तो इसमें जो ज़्यादातर रीज़न है वो ORF करते हैं, इसे ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं। और ये जो होता है मतलब एक तरीके से ट्रांसफ़र जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं उसे जनरेट करने का काम ये 21,563 बेस पेयर से लेके 29,674 बेस पेयर तक करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जीन मतलब आपकी प्रोटीन इनके द्वारा जनरेट होती है। तो ये थोड़ा सा था इसके बारे में, ये थोड़ा बायोलॉजी ज़्यादा हो गई तो कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं RT-PCR टेस्ट। बहुत सुना होगा RT-PCR टेस्ट के जरिए हमारा जो कोरोना वायरस का टेस्ट है वो होता है, तो होता क्या है जनरली? तो जीन वगैरह का नाम तो हम सुनते रहते हैं कि अरे तेरे अंदर जीन ऐसी हैं, मतलब वैसे भी गालियों के तौर पर कि जीन तेरे ही ख़राब है ये वो इस तरीके से बोलते हैं। तो जीन थोड़ा सा सुना होगा, जीन तो इसी तरीके से इसके अंदर दो जीन टारगेट की जाती हैं। जैसे पहले मैंने बताया जो ये जो एनवलप बनाने का काम करती है उस जीन को टारगेट करते हैं। दूसरी होती है RDRP, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज जीन, RNA के ऊपर डिपेंडेंट करने वाली RNA पॉली जीन जो कि उसको RNA पॉलीमरेज जीन को टारगेट, कम से कम दो जीन इसमें टारगेट की जाती हैं। अगर उससे ज़्यादा जीन टारगेट की जाएंगी तो उससे क्या होता है एक्यूरेसी बढ़ती है किसकी, RT-PCR टेस्ट की। पर हम जानते हैं कि हमें लार्ज नंबर ऑफ सैंपल करने हैं तो कम हम ज़्यादातर केसेस में देखा गया है दो ही जीन को टारगेट किया जाता है जो ज़रूरी होती है, जैसे ई जीन और RDRP जीन। तो इसी के बेसिस पर RT-PCR जो टेस्ट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव डिक्लेयर किया जाता है।
अब देखते हैं कि अब मान के चलिए कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव आता है। तो जब ई जीन, आरडीआरपी जीन और आरपी जीन, आरपी इज जो है आपका रिवर्स आरएनए पॉलीमरेज जीन जो है वो पॉजिटिव पाई जाएगी, तब क्या होता है कि आपके अंदर कोरोना वायरस है, डिटेक्ट हुआ है आपके अंदर कोरोना वायरस है। अगर इस जीन्स के अंदर से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये जो टेस्ट है इनकंक्लूसिव है। इनकंक्लूसिव मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, हमें ये टेस्ट दोबारा से रिपीट करना होगा, दोबारा से नया सैंपल लेके। सैंपल तो हम जानते हैं किस तरीके से, या तो नेसल स्वैब यानी कि आपका जो नाक के अंदर से जो स्वैब होता है स्वैब, तो उसको ज़्यादा लिया जाता है, और दूसरा जो होता है आपका थ्रोट यानी कि ओरल जो थ्रोट के पास से इसका स्वैब लिया जाता है। तो इन दो जगह से लिया जाता है, ज़्यादातर हम नेसल स्वैब को प्रेफर करते हैं, जो नाक का जो होता है म्यूकस उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ओरल स्वैब के। और बहुत सी जगह दोनों ही लिए जाते हैं और दोनों ही लेने चाहिए, वो मेरे हिसाब से दोनों ही लेने चाहिए, बट ये है कि टाइम बचाने के लिए हम नेसल स्वैब ही लेते हैं। फिर मान के चलिए, फिर इसके अंदर जो, अगर मान के चलिए ई जीन प्रेजेंट है, आरडीआरपी जीन, ई जीन और आरडीआरपी जीन दोनों ही नेगेटिव है यानी दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, बस खाली आरपी जीन पॉजिटिव है, तो इस टेस्ट को नेगेटिव कहा जाता है। इसे हम सार्स को उसके अंदर नहीं है यानी कि कोरोना वायरस या कोविड उसके अंदर नहीं है। पर जो ये तो था थोड़ा साइंटिफिक नॉलेज के, इसके बेसिस पर जीन टारगेट की जाती है और इसके बेसिस पे कंपेयर किया जाता है, पर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो उसके बेसिस पर नहीं होता, वो किस बेसिस पर होता है, सीटी वैल्यूज के ऊपर। सीटी वैल्यू क्या बताती है, साइकिल थ्रेशोल्ड के नाम से जानी जाती है, और ये सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन बताती है। तो आरटीपीसीआर की डाटा थोड़ा दिखाना भूल गया, उसमें इस तरीके से मतलब एक क्या होता है आपका दो लाइन कर्व टाइप से आती हैं और उसी के बेसिस पे आपको साइकिल थ्रेशोल्ड की वैल्यू पता करती है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अगले जब वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें ज़रूर दिखाऊँगा कि किस तरीके से आरटीपीसीआर के डाटा आता है। तो ये है, फिर इसमें क्या होता है कि ये बस खाली सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन बताता है, ये नहीं बताता कि आप कितने वायरल लोड है आपके ऊपर। ये एक तरीके से आप कह सकते हो क्वांटिटेटिव टेस्ट है, क्वालिटेटिव टेस्ट है, क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान के चलिए आपकी सीटी वैल्यू लो है तो आपके अंदर हाई वायरल लोड है, अगर सीटी वैल्यू हाई है तो लो वायरल लोड है। तो एक अनुमान टाइप से बताता है कि आपके अंदर हाई वायरल लोड है या लो वायरल लोड है, ये बिल्कुल नहीं बताता कि आपके अंदर इतना वायरल है। वायरल मतलब वायरल लोड मतलब आपके अंदर इतने वायरस ने इन्फेक्ट किया है या फिर इतने नंबर ऑफ वायरस ने इन्फेक्ट, ये ऐसा कुछ नहीं बताता। बस खाली ये है कि आप एक कंक्लूजन टाइप से देता है कि हाई वायरल लोड है या लो वायरल लोड है, और इसी बेसिस पर आरटीपीसीआर टेस्ट कोविड-19 रिपोर्ट आपको दिखाई जाती है सीटी वैल्यू के ऊपर। तो ये थोड़ा सा उसके बारे में था, ये मेरे रेफरेंस थे जो मैंने लिया था, और धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं इनका जिन रेफरेंस का। और अब मैं थोड़ा सा कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में बात करते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर मेनली जो है तीन वैक्सीन को मंजूरी मिली है, और तीनों तीन वैक्सीन में से एक तो हमारी खुद इंडिया की वैक्सीन है जिसे कोवैक्सीन कहते हैं, दूसरी कोविशील्ड है जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, और तीसरी जो वैक्सीन है वो स्पुतनिक बी है जो रशियन ने डेवलप की है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मतलब जनरल जान लेते हैं क्या है। तो जो कोवैक्सीन है जो इंडिया ने जनरेट की है, भारत बायोटेक और आईसीएमआर के साथ मिलके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, आईसीएमआर का इंस्टीट्यूट है, ये पुणे में स्थित है, पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो इनके वैज्ञानिकों ने मिलके इस वैक्सीन को बनाया, ये एटेन्यूएटेड, इसका जो प्रिंसिपल है वो एटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो वायरस है उसको एटेन्यूएटेड मतलब उसको किल कर दिया जाता है बाय केमिकल मीन्स और फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स भी होते हैं जो वायरस को किल करने के लिए यूज होते हैं, पर इसमें ज़्यादातर केमिकल मीन्स का यूज़ किया गया है। तो वही जो केमिकली किल
वायरस है वो हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाता है, हमारा जो बॉडी सिस्टम है उसको फॉरेन बॉडी समझ के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, उसके से लड़ने की कोशिश करता है, और मेमोरी टी सेल, छोड़िए टी सेल्स वगैरह पे नहीं जाते हैं, क्योंकि सिंपल जानिए कि उसके खिलाफ हमारे अंदर एंटीबॉडी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो डेवलप होती है, और अगर आगे कभी इन्फेक्ट करेगा तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी लड़ने के लिए तैयार होती है। फिर जो अगली वैक्सीन है वो कोविशील्ड है, जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, और इसको हमारे देश के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ने सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, मतलब इसका प्रोडक्शन कर रही है, और सीरम इंस्टीट्यूट आज के माने तो सबसे ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी है, और इसके आप जानते हैं आधार पूनावाला है, और वो इस समय है लंदन में है तो वो अब उनकी है, पता नहीं उनको सिक्योरिटी वगैरह की परेशानी, चलिए छोड़िए ये बात हम नहीं करते हैं। तो ये जो था सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप की, और ये जो वैक्सीन है वो वेक्टर मीडिएटेड वैक्सीन है। वेक्टर मीडिएटेड मतलब इसमें एक वेक्टर, जो बायोलॉजी के जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा तो वेक्टर, वेक्टर एक तरीके से क्या होता है कि क्या कहते हैं एम्पलीफिकेशंस में काम आता है, यानी कि किसी का जीन को हमें बढ़ाना है टारगेट, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए तो हम वेक्टर का यूज़ करते हैं, प्लाज्म में एज अ कैरियर इस्तेमाल करते हैं, कैरियर कह सकते हैं एक तरीके से। तो इसका एक एग्जांपल देना चाहूँ तो ये आप कह सकते हैं मच्छर, जो मच्छर होता है वो वेक्टर होता है किसके लिए, प्लास्मोडियम के लिए, प्लास्मोडियम की वजह से एक प्रोटोजोन्स है जिसकी वजह से हमारे अंदर मलेरिया कॉज होता है, तो मलेरिया का जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो मच्छर के अंदर होता है, और मच्छर उसके लिए एज अ वेक्टर काम करता है और वो हमारे अंदर उसको ट्रांसफर करता है। हालांकि मच्छर के अंदर भी वो क्या होता है कि उसका जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो बढ़ते हैं, यानी कि उसका एम्प्लीफिकेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ते हैं और वो फिर हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, तो वेक्टर इस तरीके से। इनके केस में जो वेक्टर है वो एडिनो वायरस है, एडिनो वायरस, एडिनो वायरस की वजह से क्या होता है कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम। तो इन्होंने जो एडिनो वायरस लिया है वो रिकॉम्बिनेंट एडिनो वायरस है, यानी कि उसका मॉडिफिकेशन किया है, उसके अंदर से जो एम्प्लीफिकेशन की पावर है यानी कि बढ़ने की जो ताकत है वो उससे छीन ली जाती है, और ये किससे लिया, चिंपैंजी से लिया, तो एडिनो वायरस चिंपैंजी से लिया। ये डिफरेंस है क्योंकि स्पुतनिक वी जो रशियन है वो भी सेल क्या कहते हैं आपकी वेक्टर मीडिएटेड वैक्सीन है, पर उसके अंदर जो उसके अंदर भी एडिनो वायरस यूज़ किया गया है, पर वो जो एडिनो वायरस है वो चिंपैंजी से ना लेकर ह्यूमन एडिनो वायरस है, पर उसके अंदर भी उसको क्या कहते हैं उससे जो एम्प्लीफिकेशन की पावर है, जो अपने आप को बढ़ाने की पावर है वो उससे छीन ली जाती है। तो चलो इस पत्रिक पे आएंगे तो वो उसके अंदर क्या होता है, उस एडिनो वायरस के अंदर इन्होंने स्पाइक प्रोटीन इंजेक्ट की, और ये स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ ही हमारी बॉडी एंटीबॉडी जनरेट करती है। ये एडिनो वायरस क्या करता है, वेक्टर काम करता है और हमारी बॉडी के अंदर इसको छोड़ देता है, और ये क्या फिर इसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी जनरेट करती है। फिर बात करते हैं कि जो क्या कहते हैं स्पुतनिक वी जो रशियन है, ये भी वेक्टर मीडिएटेड वैक्सीन है, वेक्टर मीडिएटेड वैक्सीन, इसके अंदर भी वेक्टर एडिनो वायरस है, बट ये चिंपैंजी से नहीं लिया गया है, इसमें यही डिफरेंस है। तो और इसके अंदर भी क्या है, इन जो स्पाइक प्रोटीन है वो इनकॉर्पोरेटेड है, और इसी स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ क्या होता है हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होती है, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जनरेट होती है। इसमें एक डिफरेंस और है, उसके अंदर क्या है कि वायरस का एक ही स्ट्रेन है, पर स्पुतनिक बी के अंदर दो स्ट्रेन है, दो सीरोटाइप्स इसके यूज़ किए गए हैं एडिनो वायरस के, और इसीलिए इसकी डोज जो है दोनों अलग अलग डोज हैं, बाकी जो कोविशील्ड की डोज है वो एक ही डोज है, बस खाली दूसरी बार लगनी होती है, बट इसकी जो डोज है वो दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग फैक्टर इस्तेमाल किए गए हैं, मतलब ए वैक्टर वही है पर उसका अलग दूसरा सीरोटाइप है। तो ये स्पुतनिक बी के बारे में था, तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा जिसके जिसके को अवेलेबल है वैक्सीन लगने
वो जरूर वैक्सीन लगाएं, फालतू की अफवाहों पर ध्यान ना दें। आप वैक्सीन लगाएंगे तो हमारी कंट्री कोविड से लड़ने के बहुत हद तक काबिल होगी। मान के चलिए थर्ड वेव आने से पहले अगर 50-60%, 60-70% भी लोग वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो थर्ड वेव का इतना देखने को असर नहीं मिलेगा। उससे ये भी होगा, जो वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं वो लोग भी बच जाएंगे। तो कम से कम 70% तो होनी चाहिए, क्योंकि फिर जो इम्यूनिटी है वो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में डेवलप हो जाएगी, तो इतने लोग इफेक्टेड उसके अंदर नहीं होंगे। वैक्सीन लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप छोटे मोटे वायरल लोड को आप झेल सकते हैं, ज़्यादा आप सीवियर कंडीशन के अंदर नहीं जाएंगे। तो इसलिए वैक्सीन ज़रूर लीजिए। वैक्सीन में थोड़ा बहुत माइल्ड फीवर और क्या कहते हैं हेड एक, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द, ये एक आम बात है और होती है। एक दो दिन तक सिम्टम दिखाई देते हैं, हालांकि कुछ केस देखे गए हैं जिनके अंदर ब्लड क्लॉट है, पर वो केस 1 लाख से, 1 लाख में से मान के चलिए 5-10 केस ऐसे निकल आते हैं, पर इंडिया के अंदर ज़्यादा केस नहीं देखे गए, ये विदेशों में ज़्यादा देखे गए, हमारे कंट्रीज के अंदर इतना नहीं देखा गया है। तो आप लोगों से सबसे अपील है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं अपने अब वीडियो समाप्त करता हूँ, तो फिर से कहूँगा कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए और हमारे देश को सशक्त है और हमारा देश आसानी से इसके खिलाफ लड़ सकता है। तो जय हिंद, जय भारत। तो मैं